एक बार फिर स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा प्रवेश कक्षा 5 से, लेसन नंबर है 18, भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। हमारा देश भारत में जो संविधान लागू है उसके बारे में व हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सभी अपनी किताबों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ये निःशुल्क कक्षाएँ आपके लिए। तो करते हैं प्रारंभ आज का पाठ। हम सभी परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, घर के सारे काम भी एक साथ मिलकर करते हैं, और कुछ काम बटे भी होते हैं। घर को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन घर के सभी लोग करते हैं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होते हैं जो शिक्षक और शिक्षिका के साथ मिलकर स्कूल संचालन के नियम बनाते हैं। विद्यालय में रहने वाले सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। घर तथा विद्यालय की तरह देश के कामकाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है, जिसके अनुसार शासन काम करता है। अतः संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे संविधान सभा कहा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वाले इमेज देख रहे हैं आप, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सभा के कौन थे, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। ये आप इमेज देखते होंगे, ये वाली इमेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनके अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष ये बनाए गए। अब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार परिश्रम करके इस सभा ने भारत का संविधान किया था। नोट कर लेंगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक 26 जनवरी के लिए। अब हमारे संविधान की विशेष बातें क्या हैं वो हम इस पे नज़र डालेंगे। नंबर एक, हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ये अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा। नंबर दो, कहा गया है संविधान में हमारे देश को समाजवादी राज्य कहा गया है, जिसका लक्ष्य समाज की आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करना है। नंबर तीन, कहा गया है संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनको 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार नोट कर लेंगे और 11 मूल कर्तव्य। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। संविधान के अनुसार 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में वोट डालते हैं। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी सभी बच्चे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है, बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उनके पालन पोषण एवं शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है। हमारे संघीय शासन, हमारा संघीय शासन क्या है, हमारा देश 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। नंबर 1 है व्यवस्थापिका, जो कानून का निर्माण करती है। नंबर 2 है कार्यपालिका, जो कानून को लागू करती है। नंबर 3 है न्यायपालिका, जो कानून के अनुसार न्याय करती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, अब आता है व्यवस्थापिका कानून का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। ठीक है, भारतीय केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। इसमें से राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसके बाद लोकसभा के 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा
चुने जाते हैं और 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। इसके सदस्यों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद एमपी कहते हैं। अब संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं, कार्यपालिका, कानून को लागू करना। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। ये 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। अब इसे भी जानें। राष्ट्रपति देश की जल, थल, वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है। 1, संसद की बैठक बुलाना। 2, कोई अध्यादेश देश के लिए नियम या कानून जारी करना। राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना आदि। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब आता है न्यायपालिका, कानून के अनुसार न्याय करना। हमारे देश में नियमों कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है। आप पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है दिल्ली में, ये आपका। उसके बाद उच्च न्यायालय राज्यों में बनता है। फिर जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में बनता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हमारे देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आता है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। अब आता है जिला न्यायालय। जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं जिन्हें न्यायालय जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य अदालतें आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत और पारिवारिक अदालत तथा उपभोक्ता अदालतें भी हैं।